दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए आदाब, मैं हूँ रुबीना अख्तर और आज मैं आपको मीर तकी मीर के दौर में लेकर चलती हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। ये शेर आपने बार बार सुना होगा, क्या आप जानते हैं कि ये किन का शेर है? ये उर्दू के नामवर शायर मीर तकी मीर का शेर है। मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और वो उर्दू के अजीम शायर थे। मीर उनका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर का मकाम बहुत ऊंचा था। उन्हें खुदाए सुखन के खताब से नवाजा गया था। उनके ताल्लुक से मिर्जा गालिब ने लिखा है, रेखता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर अकबर आबाद यानी आगरा में 1723 ईस्वी में पैदा हुए। उनकी तालीम व तरबियत भी उसी शहर में हुई। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके सबब बचपन परेशानियों में गुजरा। रोजगार की फिक्र में दिल्ली पहुंचे, मगर यहाँ भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। कुछ गमे दौरा कुछ गमे जाना से जुनू से कैफियत पैदा हो गई। देख तो दिल के जहां से उठता है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, गौर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबिया से उठता है। मीर गोशाए आफियत की तलाश में लखनऊ रवाना हुए, वहां उनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफुद्दौला ने 300 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया और मीर आराम से जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन तुंद मिजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज होकर दरबार से अलग हो गए। जिंदगी के आखिरी 3 साल ज्यादा परेशान कुन थे। इस दौरान जवान बीवी और बेटी का इंतकाल रंजो गम में इजाफा कर गया। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। आखिरकार 87 साल की उम्र पाकर 1810 ईस्वी में अबदी नींद सो गए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर एक ऐसे अहद में पैदा हुए जो सियासी और समाजी लिहाज से सख्त इंतशार और अफरा तफरी का दौर था। दूसरी तरफ खुद उनकी जिंदगी तरह तरह के मसाइल से घिरी हुई थी। वो जहाँ एक तरफ समाजी जवाल देख रहे थे, लोगों को भूखा मरते हुए देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में रिश्तों की शिकस्त और रेख्त के मसाइल दरपेश थे। इन हालात का उनकी शायरी पर भी असर पड़ा। उनके एक एक शेर में गम व आलम नजर आते हैं। बहुत आरजू थी गली की तेरी, बहुत आरजू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कुछ और नए शायरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।